एक टॉपिक है हमारे पास जो आया था, रिक्वेस्ट आया था कि लंबर स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या फिजियोथेरेपी में ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से पूछना चाह रहे थे। तो बेसिकली इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली पैथोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले आपको पता है लंबर स्टेनोसिस एज नेम इंडिकेट स्टेनोसिस हो रहा है, यानी इसका जो स्पाइनल इंट्रा स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो रही है, या फिर लैटरल कैनाल स्टेनोसिस है जहाँ पर इंटरवर्टिब्रल जो कैनाल होती है दो वर्टिब्रास के बीच में जहाँ से नर्व निकल रही है उसका कैलिबर अगर कम हो रहा है तो हम उसको लैटरल कैनाल स्टेनोसिस कह रहे हैं, या सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस जहाँ पर आपके स्पाइनल कॉर्ड के को का कैलिबर जो है वो कम हो रहा है उसको हम सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस कह रहे हैं। ये दोनों जो है ना एक्चुअली फ्लैक्जन, अगर फ्लैक्स करें तो वो बढ़ता है, जैसे दो वर्टिब्रास के बीच में अगर फ्लैक्स करोगे तो पीछे से जो है पीछे का एरिया यहाँ पर तो ये स्पेस बढ़ेगा यहाँ पर, तो फ्लैक्जन करने में उसका स्पेस बढ़ता है, चाहे लैटरल कैनाल स्टेनोसिस हो या फिर सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस हो, ये हमें पता है। और जब एक्सटेंशन करोगे तो कैलिबर कम होगा, तो हमें प्रेफर ज़्यादातर इसमें फ्लैक्जन एक्सरसाइजेस को करना चाहिए, सही इनिशियली कि वो जब उस पर से प्रेशर कम हो जाए फिर आप जाके एक्सटेंसिस पे जा सकते हैं, सही। तो सबसे पहले फ्लैक्जन के लिए हम ये कर सकते हैं कि स्टार्ट अगर लें तो आप कोशिश ये करें कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से यूज़ करें हमेशा पेन के लिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने ये रखा हुआ है, आप हाथ को ऐसे रखें और एब्डोमिनल ब्रेस करवा सकते हैं, इंटरडिजिटेशन करें और पेट को अंदर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ खींचें दबाइए, गुड, होल्ड कीजिए और स्लाइड हिप को रेस, यस। तो ये देखें पेल्विक टिल्ट करवा रहे हैं, पेल्विक टिल्ट के साथ फ्लैक्स करवा रहे हैं, ठीक है, और एब्डोमिनल एम्ब्रेस करवाया हुआ, बिल्कुल प्रेशर दिया हुआ और कॉन्ट्रैक्शन जो है एब्डोमिनल मसल्स की ली जाए, इनिशियली इससे स्टार्ट लें आप, ठीक है। ये एक्सरसाइज करवाइए, इसको होल्ड करवा सकते हैं 8 to 10 seconds के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, और इसको 10 to 12 रेपिटेशन दे सकते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये हो गई, फिर उसके साथ जो है आप रोटेटर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे रखिए, और क्योंकि वो जो अब स्पाइनल स्टेनोसिस है ज़्यादातर ये बायलैटरल सिम्टम्स देता है दोनों साइड्स पे, तो मसल्स वीकनेस, मसल टाइटनेस भी हो सकती है, तो उसके साथ इसको यूज़ कर लेना चाहिए रोटेटर्स का स्ट्रेच, या आप होल्ड करेंगे अब 15 seconds के लिए होल्ड कर सकते हैं, 4 to 5 स्ट्रेच दें फॉर ईच साइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं ये वाली नीडू चेस्ट के लिए आप होल्ड करवाएं, इसको वही क्राइटेरिया रखा हुआ है, अब 15 सेकंड्स के लिए इसको स्ट्रेच को होल्ड करेंगे और 5 to 6 आप इसको यूज कर सकते हैं रैप्स को, तो दूसरे पाँव का करेंगे आप, ठीक है, सेम क्राइटेरिया, देन बायलैटरली करेंगे आप, बायलैटरली ये आप सेल्फ एक्सरसाइज मिशन को बता सकते हैं स्ट्रेच को। तो पहले हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पे गए, देन स्ट्रेच पे गए, ठीक है। अब स्ट्रेच के बाद एक्टिव एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, तो एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए आप पेशेंट को कह सकते हैं 1 leg 1 by 1 दोनों फ्लैक्स करके रखो, मोड़ के रखो, 1 leg 90 से अबव लेके जाना है, ठीक है, हाँ उससे करो, ये एक्टिवली परफॉर्म करवाई जा सकती है। 15 रेपिटेशन रखें एक साइड में, 2 to 3 साइड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, देन आप अकॉर्डिंग कंडीशन अगर पेशेंट कर सकता है पेन फ्री रेंज में तो खुद से एक्टिवली वो बोथ नी को चेस्ट तक लेके जाए एक्टिवली, ये एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसमें इन एक्सरसाइजेस के साथ एक स्ट्रेच और ऐड कर सकते हैं, आप क्राउलिंग पोजीशन पे आ सकते हो, ये उन पेशेंट्स के लिए है जो नी को बैंड करके रख सकते हैं, नी पे प्रेशर डाल सकते हैं कि पेनफुल ना हो ये पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन में जाएंगे और पेशेंट को कहेंगे आप हिप को पूरा पीछे लेके जाओ, गुड गुड गुड, और पेल्विस को ये देखिए पेल्विस रोटेट हो रहा है, यहाँ पर जो है वो फ्लैक्जन फिनोमेना आ रहा है जिसकी वजह से ये स्पेस बढ़ेगा यहाँ पर, जो बायलैटरल पेन हो रहा है वो कम होगा। वापसी आगे जाओ, इसी पोजीशन पर टग इन करवाएं, गुड, अब पीछे जाइए टग इन करवाने के बाद कोशिश, गुड, होल्ड करवाया इस स्ट्रेच को, साथ में इस पोजीशन को मेंटेन किया, देन
तो ये एक्सरसाइज आप ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है, स्पाइनल स्टेनोसिस में हर कोई यूज़ करता है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस एक्सरसाइज को। अगर किसी पेशेंट का ऐसा है कि वो नी इसको ऐसे बैंड नहीं हो सकता तो उसको खड़े होकर करवा सकते हैं। आप इधर आओ, नीचे इसी पोजिशन को इस तरीके से करवा सकते हैं, नी को फ्लैक्स किया, इसी पोजीशन को आप नी को थोड़ा सा और फ्लैक्स करो, गुड होल्ड, इसी पोजीशन को आप फ्लैक्स करवा रहे हैं। पैल्विस को जो है आप क्या कर रहे हो, पोस्टीरियर टिल्ट कर रहे हो, पोस्टीरियर टिल्ट कर रहे हो, उसके साथ जो है लंबर का जो कर्वेचर है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, फ्लैक्स पोजीशन हो गई, ये पोजीशन अटेंड करवा सकते हैं, रिलैक्स, ठीक है। पेशेंट जो है स्लाइड फ्लैक्स करके चल रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो है इनको पेन फ्री होता है, और जब चलते हैं सीधा चलते हैं खड़े होते हैं उसमें पेन बढ़ता है, तो पोस्चर को स्लाइड फ्लैक्स कर लेते हैं। अब जब स्लाइड फ्लैक्स करते हैं तो इसमें जो हिप की रेंजेस हैं वो लिमिटेड हो जाती है, हिप की रेंजेस लिमिटेड मिलती है, एसआई जॉइंट फिक्स मिल सकता है उनको। उल्टा लीटिए, तो सिंपल मैडलिन की टेक्निक यूज करके आप एसआई जॉइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि इस तरीके से सैक्रम है और यहाँ पर इलियम इलियम आया हुआ है, इलियम पे आपने हाथ रखा है, देन आप उसकी जो है रेंजेस को आप नोटिफाई करें। अगर स्टिफ है तो यहाँ पर आप रेपिटेशन दे सकते हैं 31 सेकंड में 3 रेपिटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बायलैटरली यूज़ करना चाहे तो सैक्रोइलियक जॉइंट को आप मोबिलाइज कर सकते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा ये है कि सीधा लेटिए, क्योंकि रेडिएटिंग पेन आ सकता है इसमें, नमनेस आ सकती है, कुछ कंडीशन में आपको वीकनेस भी मिलती है बायलैटरली, कुछ लोगों में बैलेंस की भी इश्यूज़ मिलते हैं, बैलेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी मिलते हैं। अगर आपके पास नमनेस आ रही है, पेन है लोअर लिम में, तो आप क्या कर सकते हो, लंबर ट्रैक्शन दे सकते हैं, कोशिश करें इसमें जो है यूनिलैटरल ट्रैक्शन यूज करें, क्योंकि क्या होता है कि लैटरल कैनाल स्टेनोसिस भी इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल में मिक्स कंडीशन आ रही होती है, तो आप एक एक करके दोनों साइड्स को आप जो है वो ट्रैक करें। सिंपल किया हुआ है, ट्रैक किया हुआ है, आपने फुट को पकड़ा हुआ है और आपने एंकल से पकड़ा हुआ है, देन आप ट्रैक कर करके होल्ड करके रखें, ठीक है, आप फ्लैक्स में लेके जाके देन ट्रैक करें, देन आप अडक्शन ऐड करें और स्लाइड लैटरल बेंडिंग और रोटेशन भी ऐड करें, देन आप यूनिलैटरली एक साइड पे आप ट्रैक कर रहे हो, तो ओपनिंग कर रहे हैं जो लैटरल कैनाल स्टेनोसिस साथ में है, उसके साथ रेडिएटिंग आ रहा है पेन, नमनेस इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो आप इसको यूज कर रहे हैं, ट्रैक करके रखें, होल्ड करें 1 to 10 seconds, देन रिलैक्स। इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं 4 to 5 seconds, then relax 2 seconds, then 4 to 5 seconds hold, then relax 2 seconds, ठीक है, ऐसी दूसरी साइड पे आप यूज करें इसको जो है, इन चीज़ों को यूज करें। कुछ 2 मैनुअल टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं और कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, ठीक है, तो इससे जो है आपके पेशेंट्स में बहुत बेहतरी आएगी, इसको यूज कर सकते हैं इन थेरेपी। थैंक यू।